खरीदा गया, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आप CPL के मैच में देखें, एक मैच में उसने 16 छक्के मारे हैं। वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर, जैसे बेन स्टॉक्स एक टाइम था कि बेन स्टॉक्स अब सबसे महंगा प्लेयर खरीदा गया था, जिसकी कीमत आई थिंक सो राउंड अबाउट 11 से 12 करोड़ थी 2019 में। तो अब KL राहुल सबसे महंगा प्लेयर खरीदा गया। देखिए जी, उसमें बेसिकली जो उनकी लीग है ना, जिसको आप IPL कहते हैं, वो एक ब्रांड उन्होंने इसलिए बना दिया कि उनके पास हमारे जो जितने भी पूरी दुनिया के स्पॉन्सर है ना, 70% उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ IPL पे। IPL का मेगा ओशन इवेंट चल रहा था, जिसमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ कि इतने इतने महंगे प्लेयर्स यार कैसे खरीदे जा सकते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है। ये तो करोड़ों रुपया तो ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे अंधेरी में छापर उड़ाते हैं। इस तरह बात करेंगे ईशान किशान की, जो 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिका है। एक प्लेयर्स ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है 2022 में, जिसका नाम KL राहुल है, जो 17 करोड़ में बिका है। और हम पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कौन सा प्लेयर कितने में बिकना चाहिए, और इस बात का नॉलेज लेंगे और कितना प्यार करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जाके टिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? मैं लॉयर हूँ और क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मेगा ओशन इवेंट है, वहाँ पे प्लेयर्स खरीदे गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि KL राहुल कितने में सेल हुए होंगे? KL राहुल मैंने सुना है, कुछ देखा नहीं, 17 करोड़ रुपये में हुए हैं। वो यंग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, उसका 17 करोड़ रुपया अगर लॉजिकल था और लीगल था, अगर बकिया को भी उसके हिसाब से खरीदा जाता उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिले हैं बकिया की नस्बत। हालांकि आप वर्ल्ड कप में देख लो, उसकी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी, अपने कंट्री में वो खेलते हैं, IPL भी उनकी कंट्री में हो रहा है, दैट्स वाई उसको इस चीज़ का एज मिला। शान की शान जो है वो 15 करोड़ 25 लाख में सेल हुए हैं, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? यही मैं कहना अब यही बात उसी को मैं रिट्रीट करता हूँ कि यानी कि वो अपनी कंट्री में जो है ना वो प्रमोट करते हैं, यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाहिए, क्रिकेट भी यंगस्टर्स की है, और ये लीग्स तो स्पेशली पर्टिकुलरली आप देखते हो कि वो बैट्समैनों की लीग होती है, बॉलर्स का वहाँ पर इतना कमाल नहीं होता। बैट्समैन और ये बैट्समैन दोनों बैट्समैन KL राहुल भी और ईशान भी, इनको जो है ख़रीदा गया सही है, लेकिन उनके तनासब से अगर बकिया को देखा जाए तो वो उसको सही पे नहीं, उनको नहीं पे किया, उनके हिसाब से इंडियन ने अपने फेवरेटिज्म शो किया। तो सर आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे प्लेयर थे जो आगे IPL का नाम और ज़्यादा ऊंचा कर सकते थे तो उनको नहीं खिलाया गया? यार अब पाकिस्तान की तरफ से तो हम ऑलरेडी डिसार्ट रहते हैं कि पाकिस्तानियों का नाम आना चाहिए, वो नहीं आता, लेकिन और बहुत यार वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आप CPL के मैच में देखें, एक मैच में उसने 16 छक्के मारे हैं, तो उन जैसे प्लेयर्स को, पावर हिटर्स को एक तरफ यानी हम ये देख रहे हैं KL राहुल क्लासी प्लेयर है, दूसरी तरफ IPL तो यानी कि मशहूर इस वजह से हुआ कि वहाँ पे पावर हिटर्स की ज़रूरत है, और पावर हिटर्स को इन्होंने नहीं खरीदा। बॉलर शमसी थे, मोहम्मद नबी है, उनको नहीं खरीदा। अफगानिस्तान के और 2-3 अच्छे बॉलर थे, उनको नहीं खरीदा। मुसलमानों से थोड़ा सा प्रेजुडिस रहते हैं इंडियंस, ये एक वजह हो सकती है। आई थिंक सो मेरे हिसाब से 3 से 4 करोड़ रुपए का बस, आई थिंक इतने की, क्योंकि प्लेयर्स है यानी कि अच्छा प्लेयर है और कर सकता है वो, अपनी उसकी एबिलिटी है अच्छी। आपने बताया कितने का सेल हुआ? 3 करोड़। थोड़ा और बढ़ा के देखो। 10 करोड़ और 15 करोड़, इससे ज़्यादा कितना? अगर मैं आपको कहूँ 17 करोड़ में बिका, तो फिर एक्साइटिंग बात है, काफ़ी महंगा प्लेयर बिक गया। IPL का सबसे महंगा प्लेयर इस टाइम KL राहुल जा रहा है, तो अब क्या वो डिज़र्व करता है? अपनी एबिलिटी के लिहाज से तो डिज़र्व करता है, बाकी अगर देखा जाए तो अगर फॉरनर्स की बात की जाए तो फॉरनर्स को भी चांस मिल सकता है इस चीज़ का, यानी कि वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर, जैसे बेन स्टॉक्स एक टाइम था कि बेन स्टॉक्स अब सबसे महंगा प्लेयर खरीदा गया था, जिसकी कीमत आई थिंक सो राउंड अबाउट 11 से 12 करोड़ थी 2019 में। तो अब KL राहुल सबसे महंगा प्लेयर खरीदा गया। ईशान किशान को तो जानते हो? ईशान किशान उनका ओपनर है। वो कितने में सेल हुआ होगा? 9 करोड़। थोड़ा और बढ़ाओ। 12 करोड़। यार वो अगर मैं आपको बताऊं कि वो 15 करोड़ 25 लाख रुपए में सेल हुआ, तो फिर हैरानगी वाली बात है। इतना यानी कि BCCI इतना इन्वेस्ट कर रही है अपने प्लेयर्स पे, यानी कि उनमें ये चीज़ एबिलिटी है, उनकी सोच है कि यार इतनी एबिलिटी है हमारे प्लेयर्स में कि वो इतने पैसे दे के उनको खरीद रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स, ठीक है, अगर वो IPL में जाते हैं, तो पाकिस्तान का बाबर आजम जो प्लेयर है वो कितने का सेल हो सकता है? इस टाइम क्लास उसकी, तो वो कहते हैं कि क्लास बेहतर है क्रिकेट से, उसकी क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इन सबसे ज़्यादा महंगा प्लेयर ही वो है। 20 करोड़ 25 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर रिजवान को देखा जाए, मोहम्मद रिजवान 2021 का सबसे बेहतरीन बैट्समैन गया, ठीक है, मैन ऑफ द प्लेयर भी गया साल का, तो
यानी कि उसके भी इतने ही अराउंड अबाउट इतने ही बनते 20-22 करोड़ रुपए बनता है कि वो इतना में खरीदा जाए आईपीएल में। आपको लगता है कि मोहम्मद रिजवान और केएल राहुल का कंपैरिजन अगर किया जाए तो कौन ज़्यादा बेस्ट है? मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान, क्योंकि जो उसकी क्लास अब बन चुकी है, जो उसके स्टॉक्स हैं, जो उसके हिट्स हैं, हिट्स वगैरह जो हैं उसके बहुत अच्छे, यानी क्लीन होते जा रहे हैं और उसकी मेहनत तो उसकी बहुत रंग ला रही है। तो अगर केएल राहुल और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो बाबर आजम तो क्लास इज ऑलवेज राइट। तो सर आपका इंडियन प्लेयर्स कौन सा अच्छा है? जो बात कह सके विराट कोहली, विराट कोहली इज द बेस्ट। विराट कोहली की कौन सी शॉट आपको ज्यादा पसंद है? कवर ड्राइव। और पाकिस्तान का कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर है? बाबर आजम ने उसकी कवर ड्राइव को कॉपी तो नहीं कह सकते किया, मगर अपनी एक उसने एक लेंथ दी है कि दिखाया दुनिया को कि हम भी कवर ड्राइव मार सकते हैं। ठीक हो गया, इतनी एबिलिटी है कि हम खेल सके सबके साथ। केएल राहुल सुना है जी कि 17 करोड़ के करीब हुआ है मेरा ख्याल, 16 से 17 करोड़ के दरमियान। और सबसे महंगा प्लेयर उसको कहा जा रहा है कि वो सबसे महंगा प्लेयर जो है वो इस टाइम बिका है 2022 में। देखें जी, उसमें बेसिकली जो उनकी लीग है ना जिसको आप आईपीएल कहते हैं, वो एक ब्रांड उन्होंने इसलिए बना दिया कि उनके पास हमारे जो जितने भी पूरी दुनिया के स्पॉन्सर हैं ना 70% उनके पास हैं। तो जो अब वो अपना स्पॉन्सर ला के अपने लड़कों को सपोर्ट करेंगे ना, वो बेसिकली पिछली दफ़ा उन्होंने रोहित शर्मा को किया, इस दफ़ा उन्होंने इसको कर दिया। बेसिकली चीज़ जो है वो ये क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि नुकसानदेह है क्रिकेट के लिए। सर ईशान किशन जो है वो भी इतने का बिका, तकरीबन वो 15 करोड़ और 25 लाख में बिका वो। देखें जी, लॉजिक ये है कि कोई भी टीम जब आती है ना, मतलब कोई हम करा रहे हैं पीएसएल, कोई भी बिग बैश, जब लीग आप करा रहे हैं ना तो आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखना होता है। अब आप सारा कुछ अपने प्लेयर्स को दे ही जाएँ, उनको बुला के उनको कुछ ना दें, तो ये ज्यादती है ना। और उसकी ज्यादती की वजह ये है कि उनकी मोनोपोली है, स्पॉन्सर सारे उनके पास हैं और बाकी मुल्कों को फिर उनको जाके सपोर्ट करना पड़ता है। सर हमारी पाकिस्तानी टीम अगर आईपीएल में होती तो हमारे प्लेयर जैसे बाबर आजम है वो कितने के सेल होते? आप उनकी लॉजिक देख लें जी, अगर उनकी लॉजिक के मुताबिक में देखेंगे, उन्होंने मैक्सवेल को उतने में नहीं खरीदा, उन्होंने और जो स्टीव स्मिथ है और लोग हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं उनको नहीं खरीदा, तो वो बाबर आजम को क्यों खरीदेंगे? सर फिर भी आप वो कितने का सेल होना चाहिए था? मैं यही कहूँगा बाबर आजम तो फिर उनसे, अगर केएल राहुल इतने में जा सकता है तो बाबर आजम तो फिर मेरा ख्याल है 25 करोड़ का बनता है। रिजवान, रिजवान तो फिर आपके सामने ही है जी, रिजवान तो 30 के करीब जाना चाहिए अगर इनके उसके मुताबिक देखा जाए तो। तो सर आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में जाके खेलें? यार वो बेसिकली वो बुलाना नहीं ना चाह रहे। देखें इंडिया वाले अपने लड़कों को कहीं पे भी क्रिकेट नहीं खेलने देते, सिर्फ वो आईपीएल खेलते हैं। आप पूरी लीग उठा के देख लें जितनी भी दुनिया में इस वक्त हो रही हैं, इंडियंस नहीं जाएंगे, ठीक है? उनकी ये वजह यही है कि वो अपने आप को डॉन समझते हैं जो कि क्रिकेट के लिए और पूरे आईसीसी के लिए नुकसानदेह है। सर कैसे कौन से ऐसे प्लेयर थे जो आईपीएल में आगे नाम बना सकते थे लेकिन उनको बीच में खिलाया नहीं गया? यार इसमें शमसी देखें, एक फर्स्ट क्लास बॉलर है, मतलब बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल उसने स्टार्ट लिया और अब तक खेल रहा है, उसको नहीं लिया। अफगानिस्तान के नबी को नहीं लिया, मोहम्मद नबी जो है, तो ये ज्यादती है उन लोगों के साथ भी। ये इंडियन क्रिकेट को नहीं, आईसीसी को देखना चाहिए कि अगर वो एक ही मुल्क को सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी ये साख खो बैठेंगे। मैसेज देना चाहिए क्रिकेट लवर्स के लिए? क्रिकेट लवर्स को यही मैसेज है जी कि क्रिकेट को इज्जत देंगे तो वो उनको भी इज्जत मिलेगी। सबसे क्रिकेट में एक ही पॉइंट है, वो ये कि आप क्रिकेट को इज्जत दें, अल्लाह ताला फिर आपको इज्जत देगा, जैसा कि रिजवान ने साबित किया।